तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे आज एंड और को, मतलब मल्टीपल कंडीशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आज की हमारी क्लास की टॉपिक है। तो भूपेंद्र जी, जैसे कि मेरे सामने आपके सामने आपके सामने आपके सामने एक और मेरे सामने भी एक वैल्यू डली हुई है। अब इस वैल्यू से मुझे जो 85 to 95 के वैल्यू है उसके सामने मुझे 100 का रिजल्ट देना है, 85 to 95। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इफ का, कि इफ से नहीं होगा सर, इफ में क्या है कि एक कंडीशन रहता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कई सारे कंडीशंस हैं, यहाँ पे एंड लगेगा बिटवीन के लिए, इज ग्रेटर देन। आपकी आवाज कम आ रही है सर। अब ठीक है सर, माइक दूर होगा। अब ठीक है ना। अब ठीक है। तो यहाँ हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 85, और वापस मैंने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 90। तो अब एंड और करता क्या है, पहले इसको समझिए फिर इसमें इफ बताएंगे। एंड और क्या करता है कि एक से ज्यादा कंडीशन को लेता है और वो बताता है ट्रू एंड फॉल्स। एंड मैंने लगाया, इसमें क्या हुआ कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा हाँ, मतलब कि 85 से बड़ा होना चाहिए, 95 से छोटा होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे मैं इफ का कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर ऐसा हुआ, मैंने बोला कि यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे आपको वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो इफ का यूज क्या होगा, उस ट्रू एंड फॉल्स को चेंज करने के लिए अपने रिजल्ट में, ठीक है ठीक सर। है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेम यहाँ पे डाल देते हैं और उनके सब्जेक्ट के रिजल्ट है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, इस तरह से सब्जेक्ट के रिजल्ट है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा एंड का इक्वल एंड, नहीं माफ कीजिएगा, मैं पहले तो नंबर देना होगा ना। पहले वैल्यू देनी होगी। फिर इसको आगे पीछे हमें कॉपी, इसमें वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट का एक नियम है कि जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अगर 30 है या 33, मान लीजिए 33 है तो पास, अदरवाइज। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड का कि एंड, और हमने इसको सिलेक्ट करके बोला कि अगर एक ग्रेटर देन 33 कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा देन इक्वल टू 33, फिर इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, ओके। सारे अगर 33 से ऊपर है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब सारे रिजल्ट अगर ट्रू है, एक कोई फॉल्स आ गया, मैं एक काम करता हूँ ना, 33 नहीं आ पा रहा। तो इसको अब मैं इफ फॉर्मूले की मदद से, कि इफ, और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पास एंड यहाँ पे कर दिया सेव। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। एंड के लिए सारी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। हाँ, अब चलिए अब ठीक है। और की कंडीशन हम देख लेते हैं।
और की कंडीशन भी हम देख लेते हैं। अब और की कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए कि मुझे आईडी प्रूफ चेक का स्टेटस चेक करना है। आईडी प्रूफ में पैन, वोटर, वोटर, डीएल, पासपोर्ट। अब यहाँ पे स्टेटस यहाँ शो करना है। तो अब मैं बोलता हूँ इसमें क्या है कि स्टेटस में आईडी प्रूफ कोई एक भी दे सकता है और एक से ज्यादा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आईडी प्रूफ सारा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड नहीं लगा सकता क्योंकि एंड में सारा चाहिए होगा। तो यहाँ और लगाएंगे कि दैट इज इक्वल टू वाई, ऐसा है तो इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें किसी में भी इसको वाई मिल गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, कोई भी एक मिल गया तो ठीक है किसी में ठीक है। तो और जस्ट लाइक एंड का अपोजिट होता है। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को आप ओके पेंडिंग जो भी आप स्टेटस देना चाहते हैं उस स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं कंडीशन को कि हम बोलते हैं कि पैन इज कंपल्सरी, पैन तो होना चाहिए, पैन के अलावा इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे एंड और दोनों को मिक्स करेंगे एंड। और मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि भाई ए वाई होना चाहिए क्योंकि इस कंपल्सरी है, एंड में डाला और फिर तीनों में से एक कंपल्सरी है तो हम और को एंड में देते हैं, यहाँ एंड और को मिक्स कर देते हैं। समझ में आया सर? पहले एंड उसके बाद फिर और से ठीक है। अगर एक नंबर हटा दूं तो फॉल्स आ जाएगा, ए दे दूं तो ट्रू होगा, अगर ए हटा दूं तो आपका इसमें अगर मैं दो दे दिया फिर भी आपका ये फॉल्स दिखाए क्योंकि पैन नंबर जो है कंपल्सन है। ठीक है तो सर एंड और की प्रैक्टिस कीजिए। आप मुझे इसके 10 एग्जांपल दीजिए सर, जैसे आपने इसके किया था, फिर आपको हम कल नेस्टेड इफ पढ़ाएंगे सर कि एंड और ना यूज करके हम नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे सर, ये हम आपको कल बताएंगे सर। ठीक है ठीक है सर, कल आपने भी